क्वेश्चन नंबर 9, टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कॉरपोरेशन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप्स विल विन आर 0.6 एंड 0.4 रेस्पेक्टिवली. फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7 एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3. If the second group wins, first group introduce करता है तो probability 0.7 है, और अगर second group जो है जीतता है तो उसकी probability new product introduce करने की 0.3 है. Find the probability that new product introduced by the second group. यानी कि इसका मतलब है sample space दो part में divide हुआ होगा, एक first group और एक second group. तो लेट इवन बी द इवेंट दैट फर्स्ट ग्रुप विंस एंड ई टू बी द इवेंट दैट एंड ई टू बी द इवेंट दैट सेकेंड ग्रुप विंस. हेंस इवन एंड ई टू आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. पी इवन क्या हो जाएगा? 0.6 यानी कि 6/10. पी ई टू क्या हो जाएगा? 4/10. लेट ए बी द इवेंट दैट A be the event that introducing a new product. PA by E1 क्या होगा? Probability that A क्या है? Introducing a new product. Introducing a new product that when the first group wins, क्या है probability? अगर first group का है तो 0.7 यानी कि 7/10. बिल्कुल same ऐसे ही PA by E2 लिखना है. प्रोबेबिलिटी दैट इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट वेन द सेकेंड ग्रुप विंस क्या होगा? 3/10. निकालना क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वॉज बाई द सेकेंड ग्रुप यानी कि पी ई टू बाई ए निकालना है. सेकेंड ग्रुप जीतता है जब इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट. तो पी ई टू बाई ए का फॉर्मूला आप सभी को पता है, पी ई टू डॉट पी ए बाई ई टू. मैं इसी चीज को यहां लिखता हूं, पी ई टू डॉट पी ए बाई ई टू प्लस पी ई वन अपॉन पी ए बाई ई टू. ई वन बस वैल्यूज, सारी वैल्यूज आपको पता है, केवल आपको पुट करना है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा. By 9 सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. एन अर्न बैग एक कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स. नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल टू 5, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल टू 5. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 10. ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न. मोर ओवर टू एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न. देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम यानी सेकेंड अटेम्प्ट में. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड?
कहने का ये मतलब है, एक बैग है उसमें पांच लाल बॉल हैं और पांच काली बॉलें हैं, फाइव रेड एंड फाइव ब्लैक बॉल्स। आपने क्या काम किया उस बैग में, उस बैग से आपने जो है एक बॉल निकाली, फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बॉल निकाली, उसके बाद उस बॉल का कलर नोट किया, फिर उसके बाद दो बॉलें उसी कलर की आपने वापस रख दी, फिर उसके बाद आपने फिर एक बॉल निकाली यानी सेकेंड अटेम्प्ट में। आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड। आपसे ये नहीं पूछा है कि ये सवाल आसान है, ये सवाल आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का है। सेकेंड अटेम्प्ट में पूछा गया है कि वो बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी कि यहां पे दो केस बनेंगे। जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बॉल निकाली तो हो सकता हो वो रेड आए, और सेकेंड केस में हो सकता हो वो ब्लैक आए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने जो बॉल निकाली वो रेड आ रही है मेरी, केस वन। लेट अ रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट अटेम्प्ट। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रेड बॉल निकालने की, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/10। अब आपको करना क्या है, उसी कलर की दो बॉलें वापस बैग में रखनी है। नाउ रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड अटेम्प्ट, फ्रॉम सेकेंड अटेम्प्ट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ड्रॉन रेड बॉल इन सेकेंड अटेम्प्ट। जब आपने दो लाल बॉलें रख दी इसमें तो 7 हो गई, 7/12, यह आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब या तो ये केस होगा या केस दूसरा होगा। लेट अ ब्लैक बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट अटेम्प्ट, तो क्या हो जाएगा? ड्रॉन अ ब्लैक बॉल इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ये लिखना है। फर्स्ट अटेम्प्ट इक्वल टू क्या होगा? 5/10। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है ये सब। टू ब्लैक बॉल्स आर एडेड टू द अर्न। नाउ अ रेड बॉल, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट में हमको क्या निकालनी है, सेकेंड अटेम्प्ट में हमको रेड बॉल ही निकालनी है। नाउ अ रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड अटेम्प्ट। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं समझाने के, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है ये। तो पी ड्रॉन अ रेड बॉल, सेकेंड वाले में आपको लाल ही निकालनी है, इन सेकेंड अटेम्प्ट। भले ही पहले अटेम्प्ट में आपकी जो है ब्लैक बॉल आ गई है, अब सेकेंड अटेम्प्ट में क्या होगा? ब्लैक बॉल तो कितना हो गया, 7+5 सैंपल स्पेस तो 12 हुआ, लेकिन रेड बॉल उतनी ही रहेगी, 5 ही रहेगी, तो 5/12। अब या तो ये केस होगा या ये केस होगा। बस आपसे ये नहीं पूछा है कि उससे आए और पहले फर्स्ट ग्रुप से आए या सेकंड ग्रुप से आए, ऐसा कुछ नहीं पूछा है उसने। उसने पूछा है कि सेकंड अटेम्प्ट में रेड बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो या तो ये केस होगा या ये केस होगा। तो इनमें से जब कोई एक केस होगा तो वहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी या तो भाई ये इंटू ये होगा प्लस या ये इंटू ये होगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या, 5/10 इंटू 7/12 प्लस 5/10 इंटू 5/12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आपका आंसर आ जाएगा।
ध्यान रखिएगा इस वाले क्वेश्चन को, मैंने इसीलिए सबसे लास्ट टाइम बताया, यहां पर बिल्कुल सिंपल सवाल है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये। केवल ये पूछा गया है कि सेकंड अटेम्प्ट में जो है वो आपकी रेड बॉल आए, फर्स्ट अटेम्प्ट में दो केस बन जाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपकी रेड आएगी तो एक केस बनेगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्लैक आएगी तो दूसरा केस बन जाएगा। अब इन दोनों में कोई एक चीज होनी है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। थैंक यू।